बर्डवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार व रंग पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर दिन भर एक फोटो लगातार वायरल होता रहा, जिसमें पंडित अभिषेक दीपू भार्गव भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मुलाकात का ये फोटो दिन भर वायरल होता रहा, जिससे समर्थकों ने यह भी लिखकर डाला कि पंडित अभिषेक भार्गव दमोह या सागर सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दमोह लोकसभा से सांसद प्रहलाद पटेल को प्रत्याशी घोषित करने के बाद यह फोटो बार बार समर्थकों के द्वारा वायरल होता रहा। वहीं इस फोटो के संबंध में पंडित अभिषेक भार्गव ने मीडिया को बताया कि यह एक अफवाह है जो शायद समर्थकों ने या किसी ने फेसबुक और सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मैं व मेरा परिवार मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का हूँ और रहूँगा। आइए सुनते हैं क्या कहा पंडित अभिषेक भार्गव। नमस्कार। आज सोशल मीडिया पर सुबह से एक खबर चल रही है। पहले तो उस खबर को मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही उस खबर को बढ़ता हुआ देखा तो मैंने यह जरूरी समझा कि उस विषय से आपको अवगत करा दूं। कांग्रेस में जाने की ये जो खबर सोशल मीडिया पर चल रही है यह पूर्णतः अफवाह है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। मैं उन सारे समर्थकों से, शुभचिंतकों से, मित्रों से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि यह राजनीतिक समय चल रहा है तो इन सारी चीजों का होना स्वाभाविक है। लेकिन इन सारी चीजों से प्रेरित होकर या दुष्प्रेरित होकर हम अपना मंतव्य बदलें, ऐसा मैं ठीक नहीं समझता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगा। अवसरवादिता की राजनीति मेरे खून में नहीं है, ना ही मैंने कभी की है, ना ही मेरे पिता ने कभी की है। और ऐसे मुश्किल समय में जब पार्टी को हमारी जरूरत है, हम पार्टी को छोड़ दें या पार्टी के साथ दगा करें, उसके साथ विश्वासघात करें, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसे ठीक नहीं समझता। और मेरा जमीर भी इस चीज को, मेरा स्वाभिमान भी इस चीज को मुझे इजाजत नहीं देता है। इसलिए मैं उन सारे समर्थकों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अफवाहों पर ना ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तन्मयता के साथ हम सभी लोगों को लोकसभा चुनाव में काम करना है। आप सभी का हृदय से। सांसद प्रहलाद पटेल ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन स्थानीय निवास में किया, जिस पर उन्होंने बताया कि मैं जातिवाद और आतंकवाद की राजनीति पर विश्वास नहीं करता, ना ही इस प्रकार की कोई राजनीति में करने आया हूं। और आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ का सर्वे करें कि मेरी क्या उपलब्धियां रहीं और जनता की क्या इच्छा है। आइए सुनते हैं क्या कहा सांसद प्रहलाद पटेल ने। जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं, उन सभी का मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 5 वर्ष जो आपने मुझे सहयोग दिया, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आप सबका हृदय से आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर से दमोह से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी का, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। राज्य के हमारे अध्यक्ष और राज्य के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं ये भी विश्वास व्यक्त करता हूँ कि दमोह की जनता के आशीर्वाद के कारण जो यश मुझे मिला, उस कारण से पार्टी ने मुझ पर फिर से विश्वास जताया। इस बात के लिए मैं दमोह की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये 3 विश्वास की जीत है। एक तो जनता ने मेरे प्रति जो भरोसा दिखाया, उस कारण से मैं उम्मीदवार बना। मेरा जो भरोसा जनता के प्रति था, वो मेरी उम्मीदवारी का कारण बना। और मेरे पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर भी विश्वास जताया और दमोह की जनता के भरोसे मुझे उम्मीदवार बनाया है। मुझे लगता है ये तीनों के भरोसे की जीत है। अगर कहीं पर भी कम होता, अगर मुझ पर भरोसा होता पार्टी का और दमोह की जनता के प्रति उसका सकारात्मक वो नहीं होता, तो शायद मैं क्षेत्र मेरा बदल दिया जाता। पर मुझे लगता है, इस नाते मैं मानता हूँ कि ये विश्वास दमोह की जनता का भी है, मुझ पर भी है, मेरे कार्यकर्ताओं पर है,
और मैं इस बात के लिए फिर से मित्रत्व का आभारी हूँ। मुझे कोई बहुत लंबी बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे आपसे ये जरूर प्रार्थना करनी है कि पिछले 5 वर्षों में मेरा एक काम करने का तरीका है जिस पर बहुत लोगों को मतभेद भी होगा, और मतभेद इस दृष्टि से भी होगा कि कोई मुझे कहेगा कि मैं किसी जाति का विरोधी हूँ, कोई किसी कहेगा कि मैं अपनी धर्म का विरोधी हूँ। तो मुझे ये बात जरूर कहनी है कि मेरे कार्यप्रणाली में हो सकता है कि जो मैंने फैसले लिए हों तो कुछ लोगों को लगा हो कि मैं लोधी समाज के विरोधी हूँ, उस कारण से लोग जो राजनीति करते हैं और शायद वो नेता बन जाएंगे तो मुझे उनके नेता बनने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई कह सकता है कि कोई धर्म विशेष का या संप्रदाय विशेष का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि उसके पीछे मैंने कोई कदम उठाया हो। तो ऐसे जाति और धर्म की राजनीति करने वाले और वैमनस्य करने वाले नेता बन गए होंगे, उनके नेता बनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं उन सबसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और आपके लिए भी विचार के लिए छोड़ता हूँ, कि इन 5 वर्षों में लोगों के लाभ हित ना सके होंगे या उनको कोई तकलीफ हुई होगी, उस नाते कोई मेरे विरोधी होंगे वो अलग बात है, लेकिन मेरे द्वारा दमोह ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे ये साबित हो कि मैं दमोह का नुकसान मैंने किया है। मेरी लोकसभा के प्रति और इस भूमि के प्रति मेरी ईमानदारी में या मेरी कर्मठता में मेरे कार्यप्रणाली में कोई दोष नहीं निकाल सकता कि मैं चुनौती उन विरोधियों को देना चाहता हूँ। कि ठीक है लोगों को लगा होगा, लेकिन मेरी कार्यप्रणाली में ये भेद नहीं रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति में बहुत सर्वेक्षण है, आप सब भी लिखते हैं, आप भी देखते हैं, आपकी नज़र से कोई छुपा नहीं। मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से उन तथाकथित लोगों को जो धनबल की राजनीति करते रहे हैं। मैं भी एक मध्यवर्गीय किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं बहुत पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन इन 5 वर्षों में मुझे किसी से धन संग्रह की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? तब भी राजनीति हो सकती है, ऐसा नहीं कि ईमानदारी के साथ राजनीति नहीं हो सकती है। मैं पूछता हूँ कि किसी ठेकेदार से, किसी व्यापारी से, किसी से अगर हमने कभी कोई सहयोग मांगा हो तो वो बताए। और मुझे लगता है कि सार्वजनिक हित के कामों को आप उस पारदर्शिता के साथ कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ कि इस चुनाव का मुद्दा होगा। और इसलिए मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई अधिकारी, कोई ठेकेदार के साहब हमने हमारा ट्रांसफर करा दो, ठेका दिलवा दो, हम आपको इतना धन दे देंगे, अगर एक भी उदाहरण आएगा तो मैं तैयार हूँ। तो मुझे लगता है कि जब पूरे राजनीति में गंध फैली हो और ये माना जाता हो कि साहब आप ऐसे किए बगैर नहीं कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं दृढ़ता के साथ इस बात को कहूँगा कि इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और चौथी बात मैं कहूँगा कि कहीं मैंने जिन कामों को किया, जितनी मेरी सामर्थ्य जानकारी थी और जितना आप लोगों के माध्यम से मुझे फीडबैक मिला, उस आधार पर जो संसद में मैं उठा सकता था मैंने उठाया। और यहाँ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे कार्य करने में उन सबको स्थानों पर जागृति मिली जो शहादत के स्थान थे, जो दमोह की गरिमा और गौरव से जुड़े हुए स्थान थे, वो निश्चित रूप से उनको उठाव मिला। लेकिन और एक बात बकायन की है, जो संगीत और सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की सबसे लंबी परंपरा है वो गुरु पूर्णिमा की, लेकिन उसको कभी महत्व नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ मुझसे भी छूटी और मुझे लगता है कि वो दमोह के लिए बड़ी पहचान है, और वो है साहित्य की पहचान, चाहे वो कवि रमा हो, यानी 1914 तक की उनकी कविताएं मिलती हैं। वो अपना करनी का काम करते थे, इसका मतलब है कि शताब्दी उनकी निकल गई और शताब्दी पर किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि उनके लेखन पर PhD हुई। और दूसरा नाम है संत जुड़ी राम जी का, जो वरखेड़ा से है, वो तो 250 वर्ष से ज़्यादा पुरानी परंपरा है, और निर्गुण हमारा जो मार्ग है उस पर उनके सारे के सारे श्लोक या कविताएं या छंद उनके लिखे गए हैं। और वो जिस जाति से आते हैं मैं उसका जाति के नाम पर उल्लेख करके उनकी प्रतिष्ठा को कम करना नहीं चाहता, लेकिन ये दोनों मूर्धन्य ऐसे लोग थे जिनकी बात हमारे शीर्ष हिंदी के साहित्यकार और लेखकों ने बड़ी सम्मान के साथ में उनका उल्लेख किया है, लेकिन शायद हम उसको नहीं उठा सके। और इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य की राजनीति में आने वाले 5 वर्षों में मैं चाहूँगा कि सोशल ऑडिट हो, मैं तैयार हूँ सोशल ऑडिट के लिए, उसमें कोई कमी बेसी होगी
मैं आपके सामने माफी मांगने भी तैयार रहूंगा और गलती स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे मेरे बारे में सोशल ऑडिट हो, सामाजिक तौर पर मेरा मूल्यांकन हो, मैं तैयार हूं। आर्थिक रूप से मूल्यांकन हो तो मैं ईमानदारी के तराजू पर तुलने के लिए तैयार हूं। और अगर कोई आतंक और गुंडागर्दी की बात करता है तो मैं उससे कहना चाहता हूं, मेरी फितरत रही है, चाहे नक्सलवादी रहे हों वो मुझे नहीं डरा पाए हैं, चाहे हम पहली बार पूजा पब्बा के खिलाफ गए थे टीकमगढ़ में तो हमें वो नहीं डरा पाए हैं। मैंने और भी बुंदेलखंड के बहुत सारे लोगों के सामने अपने कार्रवाइयाँ की हैं, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके माध्यम से जिले के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आप जो विधानसभा में निर्वाचन में जो गलती हुई उस गलती का परिणाम है जिले की अशांति, लेकिन इससे कभी जिले का भला नहीं हो सकता। इसलिए जो आतंक की दम पर राजनीति करना चाहते हैं या धनबल की दम पर राजनीति करना चाहते हैं उसका प्रतिवाद हम सब मिलकर करेंगे, और मेरी फितरत है मैं तो उसका विरोध करूंगा, उसमें तो कोई मैं तब भी कहता था आज भी मैं इस बात को कहता हूं। और इसलिए इस बात को लेकर भी जिले को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये घटती हुई घटनाएं जिले के लिए चिंता का विषय है, और इसलिए उसमें गुनहगार कौन है मुझे लगता है कोई किसी की आंख से छुपा नहीं है, उछल नहीं हुआ है। पुलिस टीम जरूर मुझे लगता है कि नदारद सी हो गई है, अगर वो 5 दिन की लगातार की घटनाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद ये घटनाओं की पुनरावृत्तियाँ ना हो पाती, ऐसा मैं ज़रूर मानता हूँ, और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को दोषी ठहराता हूँ। और मैं मानता हूँ कि यहाँ का पुलिस प्रशासन को पुलिसिंग नाम की कोई चीज़ इस ज़िले में है ऐसा मुझे कहीं पर नहीं लगता। और दूसरी बात होती है कि कोई आतंक से गुंडे से और वसूली करेगा, ये हम सबकी भी जवाबदेही है, और उसमें मैं किसी भी कीमत पर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अंत में सिर्फ आपका धन्यवाद करते हुए मैं कहूँगा, एजेंडा मेरा यही रहेगा कि राजनीति की कार्यप्रणाली पर सोशल ऑडिट सबका होना चाहिए, क्या पानी की समस्या है या मानव निर्मित है। अगर हमारे यहाँ पर परियोजनाएं हैं उनके विलंब का कारण है तो वो स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है, इस ढंग का सोशल ऑडिट मुझे लगता है चुनाव में अगर होगा तो मतदाता के सामने कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं जातिवाद का के आधार पर राजनीति करने का ना समर्थक था, ना हूँ और ना रहूँगा, और इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि वो लोगों को लगता है समय समय पर अपने मतलब के लिए भले किसी ने कह दिया हो कि हम किसी जाति के, अगर मैं रुक्मणी देवी की मूर्ति लाऊंगा तो उसके बारे में कुछ चल पड़ेगा, फिर मैं जिला पंचायत में कोई फैसला करूंगा तो फिर कोई जाति वाला कह, ये तौर तरीके चलते होंगे, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं तो मुझे नहीं पता मेरे खिलाफ कौन उम्मीदवार आएगा, लेकिन जब कभी अगर मान लो कोई जाति की बात करने वाले लोग हैं और ऐसा हो जाएगा तब जरूर उनके सामने मेरी बात उनको ध्यान में आएगी कि फिर तो योग्यता के आधार पर आपको वोट करना पड़ेगा। इसलिए मैं जातिवाद आतंकवाद की राजनीति का विरोधी रहते हुए निर्वाचन में जाऊंगा, और इस क्षेत्र की जनता से फिर से आशीर्वाद की मैं कामना करता हूँ, फिर से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ा संकट बुंदेलखंड में जातिवाद का, 5 साल में जो मैंने कदम उठाए वो उसके बिल्कुल शालीन उत्तर है। तो मैं मानता हूँ कि जातिवाद की राजनीति में कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगा है, तब मैं विश्वास करता हूँ। और दूसरी बात मुझे लगती है कि हम सिर्फ विकास के नाम पर धन की बात करें और कोई सार्थक प्लानिंग ना करें, हम समस्याओं को देख कर समाधान की बात करें तो होगा, जैसे गौ ग्रहण है वो भले अभी छोटे रूप में 2 साल बाद पूरा होगा लेकिन वो आइकॉन बनेगा। आपने बेलाताल में सफाई की है तो वो वोट के लिए नहीं की लेकिन सोशल ऑडिट के लिए तो ज़रूरी है कि नहीं, कम खर्चे में हर साल जो आप लाखों खर्च करते थे उसकी बजाय हज़ारों में काम होकर भी वो स्थायी समाधान हो सकता है, ये एक्चुअल में ये मॉडल होते हैं। और बुंदेलखंड प्रयोगों की धरती है, वहाँ जल का संकट है सबको पता है, तो रास्ता कैसे निकलेगा इस पर बात होनी चाहिए। पशु का संकट है, रास्ता कैसे निकलेगा? जातिवाद का संकट है, आप उसके बीच से भी अपनी बात कह सकते हो। भ्रष्टाचार कारण है, आने वाली पीढ़ी के सामने नशा भी बड़ी चुनौती है, तो क्या हम खुद ही बांटेंगे और हम कहेंगे कि हम ठीक कर लेंगे? ये दोनों काम साथ साथ नहीं चल सकते। ये बात मैं दृढ़ता के साथ वोट के समय भी कहता हूँ और वोट के बाद भी कहता हूँ। एक तरफ तो आप कहोगे साहब आप दारू बांटोगे, दूसरी तरफ कहोगे जवान सर आपसे बच जाए, दोनों काम नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जो बांट रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, वो कोई हो। सर ऐसा कोई काम या कारण जो इस चुनाव में आपको नुकसान पहुंचा?
नहीं, मुझे लगता है कि जो जातिवाद के आधार पर और धन की राजनीति करते रहे हैं वो कोई भ्रम फैला दे तो बात अलग है। अन्यथा जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं कि ये अंडर पास बने रेलवे में ये तकिया कलाम चल पड़ा था, अरे वे तो बन नहीं थे, अब ये सरकार आई 5 रह गए, उन्होंने लिख कर दे दिया कि ये नहीं अनुमति देंगे, ये नहीं बनेगा। अब आपको समझ, बाकी लोगों को समझ में आई होगी जो कहते थे, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जो लोग छाती ठोक कर ये बात कहते थे, अरे अंडर पास तो बन नहीं है, वो पथरिया का उतना अच्छा बन गया, बाकी सब भी बन गए, उनके किनारे रोड बन गए, इवन जो हमारे जो सबसे जरूरी था वो सबसे आखिरी में बन रहा है। मतलब ये बात मैं जानू से इंगित कर रहा हूँ, जो सबसे पहले बनना था वो सबसे आखिरी में बन रहा है। नगर पालिका का सबसे भीड़ वाले इलाके का वो था, लेकिन जो 5 बचे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, राज्य सरकार ने उसका नोटिस, मैं उसको डालने वाला भी हूँ सोशल मीडिया पर पत्र, कि पीडब्ल्यूडी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम परमिशन नहीं देते हैं, आप नहीं बना सकते। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो सामने आएंगे। गोवर्मेंट भाई सर वो तो बांदरपुर में बनेगा, ये तो बनेगा, वो भी बनेगा।